नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। दिल्ली में प्रदूषण का संकट लगातार बरकरार है। बुधवार को दिल्ली वासियों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलने के बाद फिर से दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। जहरीली हवा में दिल्ली वासियों का दम घुट रहा है। प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ गया है कि विजिबिलिटी कम हो गई है। सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों को गाड़ियों की हेडलाइट ऑन रखनी पड़ रही है। देखा जाए तो प्रदूषण के लिहाज से दिल्ली के लोगों के लिए नवंबर का महीना बेहद बुरा साबित हो रहा है। दीपावली के बाद से हवा का मिजाज जो बिगड़ा, तो 24 नवंबर बुधवार को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन हवा की रफ्तार थमते ही प्रदूषण की स्थिति फिर से खराब होने लगी है, जिसकी वजह से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी की आंखों में जलन है तो किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हाँ, परेशानी है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है सुबह सुबह, और आँखों में जलन भी महसूस होती है इससे, और बच्चों को हम इसी वजह से बाहर भी नहीं निकालते हैं। और अब यह हमारा रूटीन बना है तो हमें सुबह निकलने आना ही पड़ता है, तो हम तो आएंगे ही, मास्क लगाते हैं और फिर घर जाके थोड़ा अपना प्रोटेक्शन ले लेते हैं, आँखों को अच्छे ठंडे पानी से धो के थोड़ा कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, हम क्या कर सकते हैं। दिल्ली की हवा में इस समय 3 गुना से ज्यादा प्रदूषण है। बुधवार को यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 280 दर्ज किया गया था, जो गुरुवार को बढ़कर 339 तक पहुंच गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है और ये स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा NCR प्रदूषण की चपेट में है। सफर का पूर्वानुमान है कि अभी अगले 2 दिन एयर इंडेक्स की यही श्रेणी बनी रहेगी। 27 नवंबर से हवा की रफ्तार बढ़ेगी तो फिर से प्रदूषण में कुछ राहत मिल सकती है। दिल्ली में प्रदूषण की खराब स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद स्कूल कॉलेज को बंद रखने का आदेश दिया था। सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया था। ऐसे में बुधवार को प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सरकार ने राज्य के सभी स्कूल कॉलेजों ऑफिसों को 29 नवंबर से फिर से खोलने का फैसला किया, लेकिन अब सरकार क्या कदम उठाती है ये देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।